नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लविस्विता किचन की ओर से सभी को हैप्पी होली। और होली पर गुजिया ना बनाई जाए ये तो हो नहीं सकता, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजिया बनाना, वो भी बिना मावे के। बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनकर तैयार होती है बिल्कुल आसान तरीके से, और ये तीन तरह की मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और फिर इसी तरीके से आप ये गुजिया ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही पसंद आएगी सभी को। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनती हैं और ये हमने बिना मावे की बनाई है, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, कोई भी आप बड़ा बर्तन लें, उसमें यहाँ पर मैदा डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ही मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 से 3 चुटकी सिर्फ, और इसमें हम घी डालेंगे। घी डालने से ही बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम खस्ता। तो यहाँ पर मैंने घी डाला इसमें, और घी यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम के करीब डाला है, 220 ग्राम है ये। अभी इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, आटे को और घी को पहले अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसमें हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो मुट्ठी अच्छी तरह से बन जाए, इतना ही इसमें मोन डालना है। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर आटे को हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आटा बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए और नहीं ढीला होना चाहिए, और अच्छी तरह से आटे को तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आटा तैयार कर लिया हमने। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, मैदा लिया यानी। अभी इसे हम कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये न तो ज़्यादा टाइट है और न ही ज़्यादा पतला है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये मैंने पिस्ता लिए हैं जिनको मैंने मीडियम साइज के पीस में कट कर लिया। ये काजू लिए, इनको भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर ये बादाम लिए मैंने, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने किशमिश ली हैं, उनको भी मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया है। और ये मैंने लिया है नारियल का बुरादा, ये भी आसानी से मिल जाता है बाजार में। और ये सूजी ली है, ये सूजी मेरे पास मोटे वाली है। तो चलिए पहले हम सूजी को पीस लेते हैं मिक्सी में। और ये देखिए यहाँ पर हमने सूजी को पीस लिया है, अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अभी इसमें बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे इसके अंदर। इनको ना हल्का सा हम भून लेंगे, भूनने से बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इन्हें थोड़ा सा हम भून लेंगे मीडियम आँच पर, 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें भून लेंगे। उसके बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से भून चुकी हैं, अभी इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसमें सूजी डाल देंगे। और सूजी को ना अच्छी तरह से पकाना है, यानी इसे भून लेना, 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते रहना है। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अभी यहाँ पर इसमें 1 कप गर्म दूध डालेंगे, उबला हुआ गर्म दूध लेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। बहुत ही अच्छी बनेगी गुजिया, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये नारियल का बुरादा डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है और इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, अभी इनको भी मिला देंगे। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। गर्म में डाल देंगे तो चिपचिपी हो जाएगी, जिससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अभी इसमें किशमिश भी डाल दी हमने। अभी यहाँ पर ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो अभी यहाँ पर इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। मीठा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है, तो यहाँ पर मैंने ये 1/2 कटोरी के करीब पीसी हुई चीनी ली है, तो इसे डाल देंगे। आप अपने इच्छानुसार मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा ही मीठी अच्छी लगती है। तो मीठे को भी अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अभी ये बहुत ही अच्छी से रेडी हो चुकी है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। और आप इसे गुजिया को महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए ये जो हमने बनाई है ना स्टफिंग बनने की, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखिए आटे को रेस्ट करते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं।
गुजिया मैं 3 से 7 तरह से बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, आप को जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप ये गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जैसे रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा कम आटा लेंगे और मीडियम साइज़ की इसको हम मोटा रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बेल लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इसे देखिए सिंपल तरीके से तो ये तरीका है, यहाँ पर ये जैसे गुजिया बनाने का ये आता है, तो इस पर आप रख लें रोटी बनाकर। अब इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच भर देंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसमें बिल्कुल मावे से भी अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये देखिए मैंने ये 2 चम्मच भर लिए हैं। अभी यहाँ पर एक कटोरी में पानी डाल लेंगे और किनारों से अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो पानी लगाने से ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाएंगी और जब फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं खुलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं, देखिए बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से भी, इससे थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसे ऐसे बना लेंगे, इसे रख देते हैं। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, दूसरे तरीके से भी आप इन्हें बना सकते हैं जो कि देखने में भी अच्छी लगती हैं और एक डिफरेंट तरीका है ये भी, और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रोटी हमने बेल ली, अभी दूसरी भी हम बेल लेते हैं। ये देखिए इसे बेल लेंगे, उसके बाद ना इसे हम देखिए ऐसे बेल लेंगे, ये भी बिल्कुल मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं पतले होने चाहिए, मीडियम साइज की रखना है इसको, बीच में से अली कोने भी इसके अच्छी तरह से इसको मीडियम में हमें बेलना होता है, यानी रखना होता है इसको। अभी नाइफ की सहायता से ऐसे कट लगा देंगे, देखिए ऐसे। अभी क्या करना है, जो हमने पहले वाली रोटी बनाई थी ना, जो आटा हमने तैयार किया था, अभी पहले इसे कोनों पर से पानी लगा देंगे, उसके बाद जो दूसरी रोटी हमें तैयार की है ना हमने, वो डाल देंगे उसके ऊपर से और इसमें हम भर देंगे ये। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच भर दी है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे बंद कर देंगे और कोनों से ऐसे दबा दबा कर इसको बंद कर देना, बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर देंगे, नहीं तो हम इसे फ्राई करेंगे ना तब ये खुल जाएगी। एक ये तरीका, दूसरा तरीका देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, गुजिया बहुत अच्छी दिखने में भी लगेगी। अभी तीसरा तरीका भी चलिए आपको बता देती हूँ मैं। ये देखिए सिंपल रोटी बना ली है, अभी कोनों से पानी लगा लेंगे अच्छी तरह से, पानी इसमें बहुत अच्छे से लगाना है, आप कम लगाएंगे तो ये फ्राई करते टाइम खुल जाएंगे, इन बातों का आप ध्यान रखें। तो इसमें देखिए 1.5 से 2 चम्मच हम अच्छी तरह से भर लेंगे, इसके बाद इसे ऐसे बंद कर देंगे, अभी किनारों से इसे दबा देंगे, अच्छी तरह से दबाना है देखिए ऐसे। अब ये देखिए बंद कर दिया है, अभी जो कोने हैं उनको उठाकर ऐसे बंद कर देंगे देखिए, और जो नीचे से है उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और ये देखिए अच्छी तरह से इसे बंद कर देना है और यहाँ पर पानी लगा लेना है, पानी लगाकर अच्छी तरह से इसकी एक शेप बना देंगे देखिए ऐसे। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए अभी फोक की सहायता से किनारे किनारे पर से इसका थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए एक इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये टोटली 3 तरह की गुजिया आपको बता दी है, आप कोई भी एक तरह से या 2 तरह से या 3 तरह से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है, देखने में भी अच्छी लगेगी, एकदम यूनिक सा तरीका हो जाएगा। तो चलिए अभी सारे बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अभी चलिए गैस की तरफ चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं। तो गैस पर मैंने ऑयल पहले से रख दिया था, ऑयल अभी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गैस को बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे और जो ये तेल है अच्छी तरह से तेल को गर्म होने देना है, सिर्फ गैस को बिल्कुल मीडियम लो रखना है और इन्हें धीरे धीरे पकने देना है, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और धीरे धीरे ये अच्छी तरह से पकेंगी, बाहर से भी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बन जाएगी जो कि खाने में अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो आप इसमें जल्दबाजी नहीं करें, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, उसके बाद इन्हें पलट दें। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई हैं सारी, बहुत ही अच्छे से फूली हैं। अभी इन्हें दूसरी साइड से पलट देंगे सारे को, और इन्हें पकने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगी, तो धीरे धीरे इन्हें पकने दें। तो देखिए अभी इन्हें पकने देते हैं,
ऐसे पलट पलट कर इन्हें दोनों तरफ से ऐसी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देना है और आंच को बिल्कुल मीडियम से लो रखना है। देखिए अब ये अच्छी तरह से ना इनका कलर चेंज हुआ है ना, ये आपको देखने से लग रहा है बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया, एकदम ऊपर से क्रिस्पी सिक चुकी हैं ये गुजिया। अभी इनको हम निकाल लेते एक प्लेट में, देखिए बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और यहाँ पर ज़्यादा तेज आँच न करें, बिल्कुल मीडियम से लो रखेंगे आँच को तो बहुत ही अच्छी धीरे धीरे ये गुजिया पककर तैयार होंगी। अभी दूसरा बैच भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, कढ़ाई में जितनी आराम से आ जाए उतनी इसके अंदर डाल देंगे। अभी इन्हें 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से दूसरी साइड से पलट देंगे, पलट पलट कर इसे हमें पकाना है और बहुत ही अच्छी ये पकती हैं। इसमें बिल्कुल भी जैसे बाज़ार से हम लाते हैं ना वही टेस्ट आएगा और वैसे ही दिखने में भी वैसे ही लगेंगे और खाने में भी वैसा ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो आप भी इस ओरी पर ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनेंगी। अब ये देखिए ये भी गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इनको हम निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी इसी तरीके से ना ज़रूर से बना के देखिएगा, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं सेम वैसे ही बनेंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं, इस होली पर ज़रूर से बनाइएगा और मेहमानों को ज़रूर से खिलाइएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी बना ली है, बहुत ही अच्छी ये गुजिया बनकर तैयार होती है। जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही हमने ये बनाई है, बिल्कुल वही इनका लुक आया है और वही इनका टेस्ट आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखें।